वेलकम बैक टू फ्लेम्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंट कोलकाता टैलेंट के सेमीफाइनल्स में। हमारे शो में तो टैलेंट की वैरायटीज का कोई कमी नहीं है, तो चलिए बुला लेते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट को शांतनु विश्वास, जो हमारे लिए कुछ गाना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो चलिए बुला लेते हैं शांतनु। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे तो चलिए जजेस से पास पूछ लेते हैं कैसा था। बिल्कुल मैम, खूब भालो गान गेयेछो तुमी, आर निजे को माने फील करे करे गानटा गाइछिले, एक्सप्रेशन खूब सुंदर लेगेछे आमार। हेलो शांतनु। हेलो मैम। इट्स अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो शांतनु, आपका रिजल्ट बाद में पता चलेगा, तब तक के लिए आप बैक स्टेज चले जाइए। धन्यवाद। तो चलते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर, और हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर है शुअंकर मलिक। Follow my lead. Wow, Shubhankar Malik, Shape of You में कौन इतना डांस एक्सपेक्ट कर सकता है। तो चलिए चलते हैं जजेस के पास और पूछ लेते हैं उनको कैसा लगा आपका डांस। एकदम प्रॉपर क्लासिकल, क्या ज़्यादा तामझाम नहीं, बहुत अच्छा, क्लियर डांस एकदम, बहुत अच्छा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये कॉम्पोजिशन बहुत, म्यूजिक का ये कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा लगता है। फिर भी उसके उस पर आप बहुत अच्छा ये परफॉर्म किया, बहुत अच्छा, बहुत एक्सीलेंट, थैंक यू। तो चलिए बुला लेते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, जो डांस करने वाले हैं, और उनका नाम है संप्रीति नाथ। मेरी आँखों में है
क्यूट लग रहे हो। चलिए चलते हैं जजेस के पास। बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट डांस किया तुमने, एक्सप्रेशन भी मस्त दिया, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू मैम। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर और बुला लेते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर को, आयुष खेत्रीपाल। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मुझे लगता है डांस तुम अच्छे करते हो लेकिन और एनर्जी के साथ करना चाहिए, ठीक है? और भी अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो और थोड़ा एनर्जी लगा लो, नहीं तो डांस ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर और बुला लेते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर अलका प्रजापति को। बहुत ही कूल अलका, बहुत ही सुंदर, आप जितने क्यूट हो, आपका नाम तो प्रजापति है, आप तो बटरफ्लाई छोटे से हो। तो चलिए मैम के पास जान लेते हैं आपका डांस कैसा लगा मैम को। मैम। हेलो अलका। हेलो मैम। तुम बहुत क्यूट हो दिखने में, डांस भी बहुत क्यूट किया, बहुत अच्छा डांस किया। हेलो अलका। हेलो मैम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओह यू आर फाइन, आई एम आल्सो फाइन। बहुत अच्छा लगा हमको, थोड़ा सा ये गाना आपके लिए बहुत भारी है, मतलब बड़े 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 लोग ये गाना करते हैं, एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर और बुला लेते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर रीमा देवनाथ को।
crazy, I'm going all lazy without you. Whatever the weather, together forever, cause you know I love you and that's true. Boy. बहुत सुंदर। तो चलते हैं जजेस के पास और जान लेते हैं कैसा लगा उनको। तुमने बहुत अच्छा डांस किया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर और देख लेते हैं इनका परफॉर्मेंस, जिसका नाम है संध्या गुप्ता। क्या परफॉर्मेंस था। चलिए जजेस के पास पूछ लेते हैं उनको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। मैम। हेलो संध्या। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बहुत बहुत एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, लाइनिंग मस्त था, मस्त मस्त। थैंक यू मैम। हेलो संध्या। नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो इसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो उम्र में तो बहुत छोटी है लेकिन डांस उनका उतना ही अच्छा है, तो बुला लेते हैं निकिता बर्मन को।
चलते हैं जजेस के पास, जान लेते हैं उनको कैसा लगा ये क्यूटनेस का पैकेट। हेलो निकिता। यस मैम। चलो हम ही बोल देते हैं, सो स्वीट, लव यू बेटा। एंड बहुत अच्छा किया आपने पैरों का स्टेपिंग। अब मैम भी बोलेंगे बोलेंगी तो मैं भी बोल रही हूँ, पैरों के स्टेपिंग्स और जितने तक आप किए बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा। तुम जितनी क्यूट हो तुम्हारा डांस भी उतनी ही क्यूट है, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट परफॉर्मेंस और बुला लेते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को, शनाया गांगुली। तो चलते हैं जजेस के पास और जान लेते हैं कैसा लगा उनको। हेलो मैम, इट्स अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, बहुत बहुत अच्छा लगा और ट्रैक के साथ एकदम फाइन है। सो सेमीफाइनल्स के सारे परफॉर्मेंस खत्म हो चुके हैं, सभी ने टक्कर का मुकाबला दिया एक दूसरे को, बट रिजल्ट्स के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा, तब तक के लिए ले लेते हैं हम लोग छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू फेम्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंट कोलकाता टैलेंट के सेमीफाइनाले में। सेमीफाइनाले के सब परफॉर्मेंस खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट मेरे हाथों में है, तो चलिए बुला लेते हैं हमारे सभी हुनरबाजों को स्टेज पे। सभी ने एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दिया है, बट साथ ही जगह बचे हैं ग्रैंड फिनाले के लिए, तो चलिए देखते हैं कौन ने अपना जगह बनाया है और कौन आज अलविदा कहते हैं इस शो को। तो वो पहले हुनरबाज जो अपने जगह बना चुके हैं ग्रैंड फिनाले में, और उनका नाम है, क्या मैं बता दूं? चलिए बिना लेट किए बता ही देता हूं। तो उनका नाम है अजमेर आलम। तो चलिए सेकंड फाइनलिस्ट हैं हमारे, बता देना हूं फिर, शांतनु विश्वास। सो हमारे थर्ड कंटेस्टेंट जो अपना जगह बना लिए है ग्रैंड फिनाले में, उनका नाम है शनाय गांगुली। तो चलते हैं हमारे फोर्थ की ओर, बिना लेट किए बता ही देता हूं उनका नाम, वो है निकिता बर्मन। फोर्थ हो गया है, फिफ्थ के लिए चलते हैं। शुभंकर मलिक कहाँ है, सामने आ जाए। तो दो फाइनलिस्ट जो अपना जगह बना लिए ग्रैंड फिनाले में, कोलकाता टैलेंट के ग्रैंड फिनाले में बस दो जगह बचा हुआ है, और वो दो जगह
आप में से कोई भी ले सकता है। संध्या गुप्ता, शौरजीत शेख, तो इन सातों फाइनलिस्ट हुनरबाजों के लिए जोरदार तालियां। इन सभी ने टक्कर का मुकाबला देके अपना जगह बना लिया है ग्रैंड फाइनल्स में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। आप सब मेरे राइट साइड आ जाइए। कोई बात नहीं, ये कंपटीशन है, कंपटीशन में ऐसा ही होता है, दिल तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही होता है भाई। बट अगली बार आप सब तैयारी के साथ आइए और कोशिश करिए इस शो को जीतने का, क्योंकि हार के जीतने वालों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बाजीगर। तो चलिए, थैंक यू। तो हमारे सातों फाइनलिस्ट के लिए जोरदार तालियां। सो कोलकाता, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ग्रैंड फिनाले में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए कोलकाता टैलेंट।